नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ के त्रवलिया से है, जहां ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि शुक्रवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र त्रवलिया पर शिक्षक शिक्षा मित्र निदेशक अनुचर संघ के संयुक्त मोर्चा ने प्राथमिक शिक्षा में लागू ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव को दिया। शिक्षकों ने कहा कि माननीय निदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश से ऑनलाइन कोचिंग डिजिटल उपस्थिति को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। फेसिंग डिजिटल उपस्थिति जो कि शिक्षकों के तमाम समस्याओं को अनदेखी करके किया गया है। ऑनलाइन उपस्थिति 7:45 AM से 8:45 AM तक अनिवार्य रूप से करना है। विद्यालय बंद होने के पश्चात 2:15 से 2:30 तक भी करना है। इस समय अंतर्गत यदि किसी शिक्षक के साथ या परिवार के साथ कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो भी विद्यालय छोड़कर नहीं जा सकता। इस तरह के अनेक विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध नहीं करता है, परंतु ऑनलाइन उपस्थिति हेतु जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें ज्ञापन में 30 EL 15 दिन का हाफ CL कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा पुरानी पेंशन बहाली 15 वर्षों से लंबित पदोन्नति शिक्षा मित्र निदेशक का नियमितीकरण प्रत्येक विद्यालय पर एक चौकीदार एवं एक क्लर्क की नियुक्ति शौचालय एवं फर्नीचर डिजिटल क्लास कंप्यूटर शिक्षा फेस रिक्रमाइजेशन की जगह बायोमेट्रिक की व्यवस्था की जाए। जब तक उपरोक्त व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक हम शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करते रहेंगे। ज्ञापन देने वालों में संयुक्त मोर्चा के सभी संघों के ब्लॉक पदाधिकारी महिला सहित शिक्षक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र सोनी शिक्षक ने, आप सुनिए। कार्यालय में ज्ञापन दिया गया, क्या चीज का आप लोगों का मांग है, इसके बारे में बताइए। मांग हम लोगों की है कि हम लोग शिक्षक हैं, वेतन मिलता है, काम करते हैं, लेकिन वो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है, जो संसाधन होता है, वो हम लोगों को नहीं दिया गया है। अवकाश भी 14 CL मिलता है वर्ष भर में, जबकि काम हमसे हाउस होल्ड सर्वे का लेना है, DBT करनी है, प्रेरणा के लिए तमाम कार्य करने हैं, अभिभावक संपर्क करना है, स्कूल चलो अभियान रैली निकालनी है। और अब ये मैडम ने कहा, वहां से एक आदेश जारी कर दिया कि फेस रिकॉग्नाइजेशन करके आप लोग अटेंडेंस दीजिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस तो अन्य विभागों में लगवा नहीं पा रहे हैं। एक शिक्षक ही मात्र निरी है जो दूर दराज गाँव में बहुत दूर दूर से आकर के नौकरी करते हैं। ठीक है, चलिए फेस रिकॉग्नाइजेशन भी हम लोग करने कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमको EL होता है 30 दिन का जो राज कर्मचारियों को मिलता है, कहीं उनको जाना आना है उसमें से अवकाश लेके वो जा सकते हैं। हाफ CL मिलती है, तो वो हाफ CL हमको 15 दे दें, एक महीने का EL दे दें, पुरानी पेंशन बहाली कर दें, स्कूलों में चौकीदार रख दें, एक क्लर्क रख दें जो कार्य करे। हमको सिर्फ शिक्षण कार्य करने दिया जाए, हम शिक्षक हैं, हमको शिक्षक रहने दें, न कि चपरासी बना करके रख। मांग तो बस पुरानी पेंशन है। शिक्षा मित्र निदेशक कार्य करते हैं, वो भी 8 बजे से 2 बजे तक रहते हैं, लेकिन उनका मानदेय 9,000 रुपए है। तो ये असमानता खत्म करें, उनको भी परमानेंट कर दें, अस्थाई कर दें, फिर उसके बाद हम लोगों से कहें कि बायोमेट्रिक लीजिए। हमारा आप चेहरा ले करके उसका क्या दुरुपयोग होगा, इसकी कौन सी गारंटी आप देंगे? उस गारंटी को देने निष्ठा का हनन हो रहा है। हमारे महिलाएं हैं, तमाम दूर दूर से आती है। अच्छा, हम विद्यालय में आ गए, 8 बजे से 2 बजे तक कार्य कर रहे हैं समय से आकर के, और अगर हमारे घर कोई कैजुअलिटी हो गई या हमारी तबीयत खराब हो गई, हम अगर चले जाते हैं तो 2 बजे वाली जो अटेंडेंस वो नहीं हो पाएगी और हमको अनुपस्थित मान करके हमारा वेतन काट दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि एक दिन का वेतन अगर अध्यापक का कट जाता है या किसी कर्मचारी का, तो उसका इंक्रीमेंट प्रभावित होता है, वार्षिक इंक्रीमेंट प्रभावित होता है, उसको जो बोनस होता है वो बोनस नहीं मिलता है। तो आप सुविधा भी नहीं देंगे और लागू करेंगे नीति, तो वो नीति हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 8 तारीख से अनवरत शिक्षण कार्य कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके उस डिजिटल ऑनलाइन अटेंडेंस का हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसका कोई विरोध का मायने बस इतना है कि हमको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमारी पूरी कर दीजिए, हम लोग अटेंडेंस देने के लिए तैयार।